लिख के आ जाइए, आएगा। अच्छा ये बता रहा है कि हम चालू हो गए। सुनिए अभी आप यहीं रहिए, आप कहाँ भागे जा रहे हैं। अब बीच में एक या दो बार, दो चार बार इस छोटे बटन को जब दबाइएगा तो ये फोटो भी ले लेगा, ठीक। तो अब ऐसे हाथ लगाए रहिएगा किसी वजह, हाँ आगे उंगली न लगे, ठीक। तो आज कौन सा तारीख है, 14 14 पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस की, और थोड़ा पीछे हो जाए ताकि स्क्रीन में हम लोग आ रहे हैं। आप थोड़ा इधर आइए, अब जा रहे हैं, हमारा फोटो न रख, नहीं जरूरी होता है मदद करें, वो बहुत ज़रूरी है। आज 14 अगस्त 2014 है, कल 15 अगस्त 2014 का 15 अगस्त होगा, उसके पूर्व संध्या पर हम तो जाते हैं रोज बंदर अंदर खिलाने, हमारी इनकी मुलाकात हुई, पांडे जी हैं, इनके बारे में मुँह पर हम क्या कहें लेकिन कुछ तो कहना ही पड़ेगा। इनके लिए अगर कहा जाए महान समाज सेवी, और ये अंतर्मन से हैं, ये अंतर्मुखी हैं, ये अंतर्मुखी समाज सेवी हैं, और समाज सेवी वही काम करके दिखा सकता है जो अंतर्मुखी हो, जिसके नेचर में हो, जिसके ये कल बेचारे हमसे बातचीत किए, मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ, रायबिली की आप घटना देख रहे हैं, रायबिली प्राधिकरण का जो मार्केट है, प्राधिकरण मार्केट है, रायबिली विकास प्राधिकरण, रायबिली विकास प्राधिकरण मार्केट में मैं खड़ा हूँ यहाँ, तब से मैंने गड्ढे खोद डाले हैं, क्यों कैमरा में हम गड्ढा खोदेंगे फिर उतरेंगे फिर बड़ा टाइम लगेगा, तो तैयारी मैंने कर लिया है पहले, पेड़ आप खरीद कर ला के दे रहे हैं, आपने ही हमको सुझाव दिया, मेरे साथ जब से जुड़े हैं बंदर भोज भी कर रहे हैं, नियमित करते हैं, और भी बहुत अच्छे काम करेंगे। ये हमारे लिए अभी रायबिली के हमारी बिरादरी में पंडितों में ये पहले पंडित जी मिले हैं जो हमारे स्वभाव से इनका स्वभाव मिलता है जी, पहले व्यक्ति, और बाकी सिंधु समाज जो है वो जैसा हमारा बानर भोज होता है वो सिंधु समाज ही करवा रहा है, और पूरा सिंधु समाज का है, दो ही चार लोग हैं, सुखू बाबू हैं, केसी लखमानी, और ये केसी लखमानी हो गए, राजकुमार बदलानी, और उसमें सबसे उसमें एक और भी बड़े सुपर हैं और जगदीश चैनानी, हर महीने 700 रुपये हमको देते हैं, उनका दिया हुआ पैसा डिब्बे में रखा रहता है, जब राशन की कमी होती तो मैं मंगा देता हूँ। ये बंदर भोज, देखिए भगवान राम ने भी यही कहा है कि मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और मानव धर्म ये सिखाता है कि जीव जंतु पेड़ पौधे प्राणियों से प्रेम करो, राम ने कहा है, और राम के नाम पर अरबों खरबों रुपए हमारे देश में खर्चा हो गया होगा, अरबों खरबों मंदिर बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, रामलीला हो रही है, हमको हिंदुस्तान से एक जवाब चाहिए कि क्या राम ने जो कहा है वो आपने कभी किया है? आप राम का कहना अगर मानेंगे तो आधे पागल कहलाएंगे आप तुरंत, क्योंकि युग ऐसा है ना, इतना मक्कार युग है ये कि यहाँ चोरी बेईमानी छल कपट लूट खसोट ये भरा है हमारे समाज। तो राम की लोग बात करते हैं, राम काज नहीं करते हैं, तो ये पौधा लगाना, बंदरों को भोजन देना, गरीब बच्चों की मदद करना, वहाँ से शुरुआत कीजिए, बाकी बहुत ये गरीब है मदद करो, यहाँ लोग गरीब के मसीहा बन के वोट के चक्कर में, कोई बाल वोट कर नहीं करता, बंदर वोट कोई नेता नहीं करता, उसको करना चाहिए तभी राम राज कायम होगा। अब मोदी जी से बहुत उम्मीद है, अब मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री न हुआ था न होगा, ये आज की तारीख में नोट कर लीजिए, ये औघा का बच्चा है, कांग्रेस के ऊपर से हमारा मन कुपित हुआ तो कांग्रेस प्रशासन को चली गई, ये नहीं है कि मैं बड़ा भारी सिद्ध हूँ लेकिन उस श्रेणी में मैं खड़ा हूँ, हो सकता है कोई हो लेकिन उसी श्रेणी में मैं हूँ, हमारी श्रेणी वही है कि जहाँ मन कुपित हुआ नेश नाबूद तुम हो जाओगे अपने आप है, हमारे कर्म हो जाए, अरे बुढ़े हो गए यही काम करते करते कि जिंदगी बीत गई, करोड़ों रुपये अपने घर का ही फूंक के तमाशा देखा है, समाज की सेवा किया है, ना नौकरी ना चाकरी ना दुकान कुछ तो नहीं किया। तो कुल पांडे जी के हम
कल बेचारे गए, अभी पेड़ खरीद के लाए, अभी और इनकी अपनी दिनचर्या है, दुकान भी देखना है। तो हमने कहा अच्छा महाराज बड़ी अच्छी जगह है और वहाँ पर मैं पेड़ लगाऊंगा। एक हम अपने देश की व्यवस्था दिखा रहे हैं, आप जरा इसके अंदर कैमरा लेके बनाए, ये देख रहे हैं ये पार्क है, कितने महंगे महंगे ग्रिल लगे हुए हैं और ये सब कूड़ा कचरा। ये अब ये मार्केट को चाहिए, प्राधिकरण विकास प्राधिकरण को चाहिए कि हम महीने में एक लेबर, 15 दिन में एक लेबर लगा दो बस, या हमको फेंका दे दो, पेमेंट हमको दे दो, हम आदमी भेज के लेबर लगा करके। बहुत से लेबर आएंगे, इसमें तो पान का थूका पड़ा है और जूठा पड़ा है, तो मैं साफ करूँगा, मैं कर दूँगा, मैं अपना काम उससे मैं करवा दूँगा लेबर से, हमारे पास तो मैंने वाटिका तैयार किया है। एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रायबली के सबसे सुंदरतम मार्केट। दादा आओ पाड़े जी, सवेरे सवेरे। अब मैं माननीय, एक मिनट। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एक आपने आपको नमूना दिखाया, पहले से मैंने गड्ढे वगैरह इसलिए खोद लिए हैं कि घंटों लग जाएगा कैमरा बनाने में। तो यहाँ पौधों को हम अभी रोपित करते हैं और बीच बीच में आप छोटे बटन को दाब के फोटो। अरे बाबा की सौजन्य से शिव वृक्ष का रोपण हो रहा है आज। अब आइए एक मतलब की बात, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर। अरे आप भी आएंगे? अच्छा उधर घुमा दो भैया, उनका आए में तकलीफ हो रहा है। अरे यार आपका नहीं, आइए। अरे यार मिलिए हमको, अब चलिए घर आइए। भैया कौन सुई भी अच्छा लग रहा है। हाँ इधर देखिए, एक हिंदू हमारा मतलब है, बड़ा गौरव का विषय क्या। एक मिनट, लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए कथाओं में, भागवत हो, रामचरितमानस हो, फलाना हो, डमा, लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, ठीक। उसका हमने परिणाम आपको दिखा दिया कि इतना सुंदर पार्क, इतना सुंदर मार्केट, और यहाँ देख रहे हैं सर जूठे गिलास और ये वो, कूड़ा यानी कूड़ा घर बना दिया, जो पार्क है वो कूड़ा घर है। इन कथाओं से क्या फ़ायदा होता है? हमारा मतलब है कि एक ये कथाओं में ये कहना चाहिए कि एक बेल का पेड़ लगाओ, उसे तैयार करो, तो हजारों हजारों शिव मंदिर आपके बन गए, और नहीं बने तो मेरी बातों का खंडन करो, हमारी बातों का खंडन करवाओ, बड़ा बुलाओ बड़े बड़े विद्वानों को, कराओ खंडन हमारी बातों का। यहाँ पूरी ज़िंदगी लगा दी, 5 साल में आदमी PhD करता है, यहाँ सारी ज़िंदगी बीत गई, तो हम बोलने तो नहीं देंगे आपको, पकड़ के वहीं जवान हम तुरंत रोकेंगे। क्या नाटक आप लोग करते हैं, भगवान भगवान, कौन भगवान, भगवान का काम करो, पहले राम काज करो। तो ये कहने का मतलब है कि हमारे पांडे जी का हमने हमें परिचय दिया, बहुत महान, जितनी भी उनकी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, कम है। अब मैं पहले से मैंने गड्ढे तैयार कर दिए हैं, अब आइए। मैं समाज से भी, पर्यावरण से भी श्याम साधु जी से अनुरोध करूंगा कि वो शिव वृक्ष का रोपण करके और हम नवयुवकों को प्रकृति के बारे में अच्छी सीख देने की कृपा करें। श्याम साधु जी वृक्ष रोपण करते हुए, शिव वृक्ष है, बेलपत्र के वृक्ष में सारी चीज़ें उपयोगी होती हैं, एक वृक्ष लगाने का करोड़ों फल मिलता है, करोड़ों मंदिर आपके शिव मंदिर बन गए। अब देखिए झिल्ली है, इसको बाहर फेंकेंगे, इसी में नहीं फेंकेंगे। अब ये बेल का पेड़ यहाँ देखिए, यह स्पेशल, देखिए औजार भी तो काम करता है, ये सब औजार भी बनवा के रखते हैं, कहीं जाओ खट से लगाओ, खोदो, तैयार करो। अब ये बेल का पेड़ तैयार होगा और हम समझते हैं कि हमारे ये पांडे जी, पीके पांडे नाम बड़ा इनका अंग्रेजी में तो बहुत ख़राब नाम है, पीके पांडे, पहले पीते हैं तब ये पांडे बनते हैं। बाबा लगाओ 8 बजे। तो ये एक महान वो है, सारा पेड़ बेचारे खरीद के लाए हैं वहाँ से, और एक खां साहब है वो मलिहाबाद वाले, वो 20 रुपए का पेड़ 10 रुपए में दे हमको दे दिया हमारे नाम। एक उनके भी किनारे वाली माटी ले लो बाबा, है किनारे वाली मिट्टी ले लो, हाँ तो कछुआ की मिट्टी पास बात, हाँ
तो ये पांडे जी की ही सब कृपा है, वरना हमको तो जो हमने बगीचा लगा रखा है हमको उसी से फुर्सत नहीं मिलती है। लोग बाग हमको बुला लेते हैं तो जाके मैं लगा देता हूँ। तो किनारे वाली मिट्टी लो बाबा, खंतक बगल वाली, एक यादगार बन जाती है। अब ये पकड़ ले जाने इसके नाप दियो बाबा, मगर पकड़ बोला न बोला ना ठीक छोड़ दो, पैर से दादाब दे तो ज्यादा या औजार है। ये देखा अच्छा दबाई क्या ये बच्चा पाई खाएगा पानी है, लाइट मध्यम लाइट बंद थोड़ा चाहिए इसमें, हल्का सा ज्यादा नहीं। अबे तो नहीं मेरा गर्मी में बच्चा देखे रहेगा, जल डाल दे चलिए अब वहीं आप इसको चलने देखिए आरी से लिखा है ठीक। अरे शुभ वृक्ष है बेटा ये बेल का, ये समझिए कि 1000 मंदिर बन गया भाई। मंदिर जो है आप हम देख मंदिर जो है वो कुछ लेता है और पेड़ जो है ये कुछ देता है, इसी का दिया हुआ मंदिरों में चढ़ता है, तो जो देने वाला है वही तो बड़ा होगा भाई। कूड़ा देखिए कूड़ा दान रखता है लोगों, उसमें कूड़ा देखते हैं तो इसमें लोग का दोष नहीं है, दोष है हमारे यहाँ धर्म का प्रचार नहीं किया जाता, हमारे यहाँ मानवता की बात नहीं की जाती भाई। मानवता का प्रचार प्रसार हो के नौबते ना आवे आपका तो आकाश नाम है ना। जी जी रखा। अरे बंदर भोज की एक वीडियो हमने नेट पे अपलोड कर दी थी। अच्छा अच्छा नाना जी की। अच्छा जिसपे नाना जी हम लोग गए थे पूरा। अच्छा हाँ वहाँ जब आप लोग बैठे। जी जी उनको बहुत अच्छा। कहाँ भावने सुरमा। हाँ सबसे भयंकर वही रहा जो 1000 बंदर कई कई बार हमका अंदर से दबोचे हैं पूरा ऊपर नाना जी के। तो फेसबुक पर आपका है अकाउंट। जी फेसबुक पे है। तो हमारा भी अकाउंट का नंबर जान लीजिए आप, हमसे ऐड हैं। अच्छा जी तो हमारे उसमें दो पेज हो गए हैं ना। जी एक साहब ने बना दिया वाजपेयी ने। जी हालांकि वो लापरवाही से बनाए हैं बेकूफी में, लेकिन यह उसमें लिख देते हैं अंग्रेजी में थोड़ा। जी तो दो पेज चल, एक हमारे नाती ने बनाया। तो ये पहले से हमने गड्ढे खोद रखे थे और यहाँ से वहाँ तक पहले खोद दिया और केबल लगाना था तो ये लग गया और इससे लोगों को फल भी मिलेगा, बेल की पत्ती भी मिलेगी। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग जी अपने दरवाजे सड़क के किनारे भी पेड़ का कदम लगाइए। नहीं कदम के हमारे यहाँ दोनों साइड लगे हैं। दोनों साइड लगे हैं जी। हाँ अलग अलग होना चाहिए, कायदे से दो के जगह एक हो, एक एक जामुन का पेड़ हो जाए जी तो खाने को मिलता रहे पशु पक्षी। आपके पेल वाले बड़ा फल दे आते कि छोटा। उन हमरे यहाँ अरे वो कब तो वो डीएम साहब का भेज दिया है तो उसका भेद है पच्चीस मंगावा पस्ती कुमारगंज पस्ती कुमारगंज फैजाबाद वही कृषि विश्वविद्यालय से। हाँ कृषि विश्वविद्यालय इधर यह मिट्टी है। हाँ ये वाली धर्म का काम करो क्या, लगा लिया टिकट तिलक आओ श्री श्री 1008 जुल्लू भरपानी में डो मरो, करना धरना कुछ नहीं।
दशरथ जी ने पूछा तो जब उनके यहाँ अभी हम सीरियल में देख रहे हैं बजरंग बली में दशरथ जी ने मंत्री सुमन है ना उनसे पूछा मंत्री जी इतना बड़ा हमन होने जा रहा है पूरा पानी डाल दियो। हाँ हाँ रुक जाओ पहले हाथ तो धो ले हजारों वृक्ष लगेंगे वो हजारों वृक्ष काटे जाए रहे हैं तो मंत्री ने कहा कि महाराज 100,000 वृक्ष पहले लगाए जा चुके हैं तब वो 1,000 पेड़ काटे जाएंगे। ये हमारी रामायण यह हमारी रामचरित मानस ये हमें ये शिक्षा देती है लेकिन हम करते कुछ नहीं हैं। यहाँ पहले पेड़ लगाओ तब पेड़ को काटो और पहले ही पेड़ की कटिंग हो जाती है यह है राम का देश चल रहा है राम भरोसे वरना इसको तो नेश नाबूद हो जाना था जो मानसिकता है कूड़ा दान बना है एक उसमें कूड़ा है ही नहीं और इतना सुंदर पार्क है इसमें कूड़े कूड़ा कांचे कांच अभी वहाँ खोल रहे थे इतना बड़ा कांच का टुकड़ा बच गया वरना हाथ ही हमारा फट जाता आइयो हाँ वहाँ वहाँ इधर खुला अब इसमें मान लीजिए अगर कांच का गिलास पड़ा हो जी और पैर पड़ जाए तो वहाँ शादी की हालत क्या होगी कि यहाँ महीने में एक बार चाहिए प्राधिकरण यहाँ पर सफाई हो सफाई करवा में एक लेबर रख कर लाखों रुपए किराया आता होगा जी जी ये करो काम नहीं करते हैं तो ये जो काम करेगा उसी को आगे आना चाहिए हम लोगों को तो एक अपना बनाना चाहिए ये भी बड़े इनके पिताजी भी बहुत बड़े समाज सेवी राष्ट्रवाद भी होना चाहिए आपके अंदर ये नहीं कि आपका भला हो रहा है तो आप जिंदाबाद किसी गद्दार नेता के लगा रहे हैं जो देश को लूट रहा है राष्ट्रवादी होना चाहिए जैसे मोदी है उससे बड़ा राष्ट्रवादी कौन होगा हमको बता दीजिए आप जी जब से बैठा है तब से उसकी मोदी की कार्यशैली ही सब कुछ बता रही है होनहार वीरवान के मोदी की कार्यशैली ही बता रही है सुषमा विदेश मंत्री बनी है उसके कार्यशैली ही बता रहे हैं कि देश हमारा कहाँ जा रहा है ना इसलिए आँख मूंद के इस समय मोदी का विरोध हमको कमदाद में बड़ी हंसी आ गई जी माया ने कल बड़ा अच्छा काम किया हम उसकी तारीफ करते हैं माया ने बड़ा अच्छा काम एक बिहारी जोकर उसका नाम क्या ले गया समझ जाइएगा बिहारी जोकर उसको सारे नेता लोग जोकर कहते हैं वो बिहारी जोकर नहीं बहुत गहरे में यहाँ तक आ जाए हर चीज़ का एक वो तरीका होता है महाराज यही करे करे बुढ़ाएगा तो उस बिहारी जोकर के सुझाव का बड़ा करारा जवाब माया जी ने दिया है गजब का जवाब दिया हम कहा वाह हम यही कहने जा रहे थे अगर वो हाँ करती तो मैं कहता है कि बहन जी डाक बंगले वाले कांड को मत भूलिएगा दूसरी बात कि वो तो जोकर ही है लेकिन माया ने अपने आप को बचा लिया जो भी हो जहाँ हो हम किसी के क्यों बुराई करें कभी न कभी अभी तो हाँ माया जी से एक निवेदन है कि वो बीजेपी की बुराई न करें वरना आप कहीं के न रह जाइएगा क्यों अब आपकी स्थिति बहुत डामाडोल है जी आप अपनी पार्टी को अगर बचा के रखना है बचा के रखिए आप अब बीजेपी ने ही आपको बचाया था ये भी जान लीजिए हाँ फोटो ले रहे हैं जी लाल लाल पट्टी चलती है जी 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 तो बीजेपी ने ही बचाया था लिहाजा बहन जी से निवेदन है कि अपनी पूरी ताकत लगाओ बीजेपी के पीछे और तुमको मिलते रहेगा क्यों तुम्हारी क्वालिटी है गुंडागर्दी कम से कम तुम्हारे राज में नहीं हुआ एक अच्छी बात है हम ये कहना ही तुम विपक्ष के हो तो हम तुम्हारी बुराई करेंगे साधु का मतलब है सच बोल जो अच्छा काम करेगा उसकी हम प्रशंसा करेंगे सोनिया जी रायबली के लिए हमको गर्द थी हमने सोनिया की बड़ाई किया लेकिन जब देश का मामला आया तो हम पलट गए हमने कहा मोदी से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता
अगर हो सकता है तो आओ हमसे जरा बात करो, बात करवा करके बोलती दो मिनट में बंद कर। तुम लोग लिए हो गए कुछ आज तक समाज सेवा पर, करोड़ों लाखों रुपए ले लिए होंगे, कमाए होंगे, और यहाँ समाज सेवा में अपने आप को मिटा दिया, करोड़ों का नुकसान उठाया। आओ पता लगा लो, जितने आई है ना CBI और कौन आई सारी जांच करा दे, औकात में अभी आएंगे दो मिनट से। इसलिए काम करने वाले को आगे आना चाहिए। हमारे रामानुज शर्मा जी हैं, वो हमारे दामाद जी के भाई हैं, और सुशील शर्मा हैं, ये लोग सब पुराने राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी अगर आप नहीं, हिंदूवादी का मतलब है राष्ट्रवाद हो जी, तो यहाँ आप धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो लगता है कि इतने बेंत मारे, इतने बेंत आपको घसीट के मारे कि यही आपसे पूछें, पहले ये बताइए कि आप मनुष्य हैं कि नहीं हैं। अगर मनुष्य होंगे तभी आप राष्ट्रवादी होंगे, अगर आप में मनुष्यता नहीं है तो आप राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते। तो कुल मिला करके यहाँ हो गया, इतना पानी थोड़ा दे दीजिए भाई का पीट रही हो इसे। हाँ पीछे हो गया, पीछे पीछे। हाँ हाँ जी, हाँ थोड़ा एयर ना हो चाहिए। नहीं नहीं, बोले ने जब आउ तेजी से भागत है ना, नीचे बोलना ऊपर की थोड़ा बगल से वो मट्टी रहे। नहीं नहीं नहीं, इतना रहने दो, अरे पानी भर जाएगी ना। अरे पानी भरे जो पानी है सारे, इतना सड़क से ऊँचा हमारा, ये सब पानी घसीट ले, थोड़ा जगह रही पानी डली हो ना तो आपका आराम रहे। लाओ पानी लाओ। वाह ये ठीक, नाम पूरा नाम बताया, बार बार नाम है भूल गए। रजनू पांडे नहीं, पीके है ना, पीके वाला छोड़ो तुम, रजनू पांडे बताओ। अच्छा रजनू पांडे, ठीक हाँ, पीके वाला अच्छा नाम नहीं लगा था। पीके के रजनू है, जाना था सब लोग पांडे हैं, लेकिन पीके हैं, रोज पिया पीके पांडे बने। दादा बेल दादा पूरा दादा, इस तरह से बृहद वृक्षारोपण समाज सेवी श्याम साधु के द्वारा संपन्न हुआ। हम लोग इनके आभारी हैं, इन्होंने शिव वृक्ष की स्थापना करके समाज को नई चेतना दी है। बंदर भोज इनके जीवन से जुड़ा हुआ है, ये 8,000 से भी ज़्यादा बंदर भोज कर चुके हैं। इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है तो वो दूसरा व्यक्ति कोई ढूंढ के लाए। अब बंदर का मामला जो है, हनुमान जी की सबसे बड़ी ला, यही बोतल, यही बोतल से रोज सेवा हो इनके। लाओ हाँ, एक लीटर पानी रोज लेके हो, बहुत टहले समय। हाँ नहीं अभी नहीं लाना, अभी हाँ। एक आध महीना मत आओ, जब हाँ बाप चला आ गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक आ जाएगा। आ जाए कुल मिला करके जी, ये स्टॉप किधर से? नहीं नहीं अभी रुके रहो, अभी हम आप तभी तो बनाएंगे इसमें, आप काहे पीछे रहेंगे भाई। अरे नहीं, अरे आप ही लोग तो हाथ कर यही का ठीक पीछे घर है। अच्छा हाँ सुना दे। अरे बस बस, तो इस पेड़ के लगाने में कैमरे से पूरा बनाने वाले हमारे आकाश शर्मा जी हैं, जो आप सामने खड़े हैं। और इन अच्छे माँ बाप का जब संस्कार होता है तो बच्चों में वही बातें आती हैं। आजकल के बच्चे जो हैं उनको अगर कैमरा से बनाएंगे तभी तो हम आपको दिखाएंगे, तभी तो हम समाज को कुछ सिखा पाएंगे। भाई हम कैमरे में अगर नहीं बनाएंगे तो हम आपको कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? तो मतलब ये हैं शर्मा जी, हमेशा हमारे हर अच्छे मौके पर हमेशा हमारी मदद करते हैं। 3 पौधों का आज यहाँ रोपण हो चुका है और हम वाणी को विराम देते हैं। वो सफ़ेद सफ़ेद साइकिल मेरी खड़ी हुई है आज, ये कम से कम साइकिल हो गई, कम से कम 50 साल हो गए, 50 साल हो गए साइकिल को। और एक बार इस बीच में हमने इसको रंगवा दिया था और ये सफ़ेद ही साइकिल आई थी,
तो वाणी को विराम देते हैं। हमारे आकाश शर्मा जी का घर बगल में है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपके अगल बगल कोई जगह हो जी। तो एक जामुन का पेड़ जी। और या बेल का बेल का पेड़ है अगल बगल, बेल का पेड़, बेल नहीं है ना, तो एक आधा अगर आप चाहें तो बेल का पेड़ हम ला के, ये बेचारे पांडे जी हैं बहुत धर्मात्मा आदमी है, पेड़ ये ले आएंगे, लगाएंगे हम, एक एक यादगार तो बनेगी जी। है ना, अगर गुंजाइश हो तो बताइएगा हमको। ठीक, हमारा मोबाइल नंबर जो है वही है कि आप ऐसा नहीं, नहीं 94500 वाला होना चाहिए, 94500 89127 है ना। आपका नंबर क्या है? 8765। एक मिनट आप इसमें फीड कर दो, नाम पहले ना डालिएगा, पहले डालिएगा शर्मा आकाश, तो फट से दिमाग आएगा। शर्मा आकाश नाम में डाल दीजिएगा, हो गया। अब ये बताइए शर्मा जी, ऐसी अब आने वाले समय में देखिए नदी के लिए भी हमको अनशन में बैठना है जी, पेपर में हमने दे दिया है उजाला में, आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो अब एक आदमी हम क्या क्या करें, बंदर भोज रोज कर रहे हैं, पेड़ भाई एक आदमी कितना करेगा, तो ये है कि थोड़ा हर दिशा में काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ताकि एक जागरूकता पैदा हो जाए। ये बताइए क्या हमारे देश में ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि जैसे गंदगी यहाँ पाई गई, अब एक ही दिन की गंदगी नहीं है, सालों की गंदगी है, तो क्या इससे संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जवाब तलब होना चाहिए। दूसरी बात, उनके तनख्वाह से काट लिया जाए अच्छा खासा, ठीक, क्योंकि रोज सारे आला अधिकारी यहीं से होके गुजरते हैं, यहीं से गुजरते हैं, तो उनकी ड्यूटी है देखना। तो ये कानून के लिए भी हम ये चाहते हैं कि हम आप मिलके और भी आपके जो संगी साथी युवा होंगे जी जी। हम लोग एक मांग करेंगे, है ना, उसमें यही चीज डालेंगे कि ऐसा कानून बने, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको पर अगर कानून नहीं बनेगा तो यही चीज रही बर्बाद होते रहेंगे। जैसे आपके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वक्त खड़ा रहे, अरे वाह जी, तो हमारा सौभाग्य होगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी हम सहयोग लेते रहेंगे। और एक अब जैसे सड़क है, अब इनमें जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, टेम्पो साइकिल बच्चे कितनी एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं, कितने लोग चोट खा रहे हैं, हैं मौत मुँह यानी मौत के मुँह में जाते जाते लोग बच जाते हैं, नहीं झगड़े हो जाते हैं, इनके लिए कानून बने कि जब तुम सड़क बनाओ तब बनाओ, तत्काल कहीं भी गड्ढा देखो तो नहीं नहीं भट्ठे से आधा मंगा लो, शहरों में बहुत मलबे पड़े होते हैं उनको मंगा ले, पक्का मलबा वो कीचड़ वाला नहीं, और उनको डलवा दो, एक लेबर लगा दो, एक लेबर बस, कोई कारीगर की जरूरत नहीं है, वो पालिका के तरफ से होना चाहिए, जहाँ लाखों करोड़ों रुपए पालिका खर्चा करती है ठेका देती है, वहाँ एक ऐसा नियम बने कि एक मजदूर एक या दो लेबर, और इस जैसे सफाई कर्मी इतने हैं तो एक दो लेबर रखिए, गड्ढा पाटो उनका एक विभाग बने, गड्ढा पाटो सड़कों में, अब बरसात बताइए, मैं आ रहा था लगा अब गिरे कि तब गिरे जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन गड्ढों में नगर पालिका की ओर से तुरंत ये भट्ठों से ईंटा राबिस ईंटा मंगवा लो टुकड़े वाले जी। मलबा कहीं पड़ा हो मलबा डलवा के उसको एक आदमी उसको दुरमुट से कूट दे, ना रोलर की ज़रूरत ना हवाई जहाज की ज़रूरत, दो आदमी लगा दो, दो आदमी बहुत है, रोज का काम है कि पूरे नगर के अंदर घूमे, जहाँ गड्ढा देखे वहाँ वो ये सफाई सफाई कर्मी वाला ठेलिया वहीं में भरे, अड्ढा नगर पालिका में एक जगह स्टोर रहे, बहुत सी उनके पास जगह है, सड़क के किनारे लगा दो, भरो और जाके डाल दो, ठीक, कम से कम लोग चोट तो नहीं खाएंगे, लोगों की जान तो बचेगी, स्कूली बच्चे सुबह सुबह जाते हैं, अब गड्ढे में बताइए बच्चा जा रहा था, एक टेम्पो आया इतनी जोर से, और लड़कियों के ऊपर खास करके अत्याचार होता है, कि हमारा देश कैसे चलेगा महाराज, हमको इसकी रूपरेखा बदलनी पड़ेगी,
और काम वो करो, कानून वो बनवाओ जो बहुत सुलभ हो जी। अब बताइए प्राधिकरण में